आप सबको नमस्कार। जो जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। कई बारी रात को ऐसी खबर आती है जो आग की तरह फैलती है। एक ऐसी खबर आई कि डिसीजन लिया है, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और उसके बाद ब्रीफिंग होगी 10:15 पर, रात को 10:15 पे। और उसके सोशल मीडिया पे लगातार ट्वीट शुरू हो गए। कुछ आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉल्स ब्रीफिंग एट 10:15 PM, समथिंग इंपॉर्टेंट इट सीम्स, स्टे ट्यून्ड, क्या है एजेंडा पे। बहुत सारे ऐसे ट्वीट आए, अखबारों ने सीधा बोला, जो न्यूज साइट्स हैं, 10:15 पे मीटिंग। अब 10:15 पे रात को मीटिंग होना, सॉरी यूनियन कैबिनेट की शाम को मीटिंग होना, 10:15 पे ब्रीफिंग होना, लगता तो था कि कुछ बहुत अर्जेंट है, लगता तो था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हो रहा है। और अब मोदी सरकार, अब तो 10वां साल होने लगा है, थर्ड टर्म के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर एक बात याद रखिए, पुरानी सरकारों में चीजें बहुत पहले पता चल जाती थी, मोदी सरकार के अंदर किसी को कुछ नहीं पता चलता, वो अटमोस्ट सीक्रेसी से काम करते हैं। यूपीए के एक जमाने में जर्नलिस्ट फोन पे डिस्कस कर रहे होते थे, सजेस्ट कर रहे होते थे, और कुछ लोगों का कहना है मंत्री अपॉइंट कर रहे होते थे फोन और फ्रेंड से, क्योंकि उनके लिंक्स थे, फोन थे, तो वो मंत्री चुनने के रोल में भी इंपॉर्टेंट। अब बड़े 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 पत्रकार मंत्री चुनना तो छोड़िए, मंत्री से मिलने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है वो बहुत सिस्टमैटिक वे में चलती है, कहती है हम जनता से डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी है, हमें पत्रकारों को बीच में मिडलमैन जो समझते थे अपने आप को, जरूरत ही नहीं है। विदेश में भी जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं वो पत्रकारों को साथ नहीं लेके जाते। पहले क्यों लेके जाते थे? क्योंकि उनके लिए पत्रकार बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको इतना फैबुलस अब्रॉड में ट्रिप, प्राइम मिनिस्टर के एयरक्राफ्ट पे और रहना, पीना, खाना, सब मौज ही मौज, मौज ही मौज, तो पत्रकार बड़े खुश होते थे। अब जिसको जाना है अपना खर्चा कीजिए, जाइए, नहीं जाना मत जाइए, प्रधानमंत्री की कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप जाके उनको वहां कवर करते हैं या नहीं कवर करते हैं, सोशल मीडिया है, वो जनता के पास चले जाएंगे। प्राइवेट अखबारों, प्राइवेट टीवी वालों के लिए भारत सरकार क्यों खर्चा उठाए, अब्रॉड लेके जाए अपने प्लेन में, तो वो एक बड़ा रेडिकल स्टेप था, तो चलती है नहीं किसी की। पर जब ये खबर आई कि 10:15 को रात को ब्रीफिंग होगी, तो एकदम से बात शुरू होगी। कुछ लोगों ने कहा क्या इलेक्शन डिक्लेयर होने जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा क्या प्रेसिडेंट्स रूल लगने जा रहा है। आपको पता है बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि संदेश खाली और उसके बाद वेस्ट बंगाल में जो हुआ, लीगल स्टेप्स लेने चाहिए और उसके अंदर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हो गई है, क्या प्रेसिडेंट्स रूल लगने वाला है। तो दो ये टॉपिक बहुत चल रहे थे। एक ये लोगों ने किया कि क्या अब सीए जो अमित शाह ने बोला कि चुनाव से पहले रूल्स आएंगे, तो क्या वो सीए एनआरसी के रूल्स आने वाले हैं, वो भी एक बड़ी बात है। शायद इतनी लोगों को और हर देश के नागरिक को पता है किस तरह वो सीए एनआरसी को और सड़क पे शाहीन बाग हो के, हिंसा हो के, रायट्स हो के रोका गया, और वो अब कितने जरूरी हैं। कुछ लोगों ने बोला क्या जो लोग सोचते हैं पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कुछ बड़ा होने वाला, क्योंकि बहुत स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि ये लेट नाइट ब्रीफिंग क्यों हो रही है, 10:15 पे क्यों हो रही है। दिन था 21 फरवरी का और ये स्पेकुलेशन बहुत तेज हो जा रही थी। उसमें से दो ऐसी थी, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आ रहा है, और कुछ लोग कह रहे थे आपको याद है किस तरह नोटबंदी की थी प्रधानमंत्री ने, एकदम कहते हैं सोर्सेस कि उन्होंने कैबिनेट को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया कि नोटबंदी हो रही है और किसी को नहीं पता था, 2-3-4 लोग छोड़ के किसी को नहीं पता था। सीक्रेसी इसलिए जरूरी थी कि कोई अपने सारे नोट बदलवा ना ले, और वो एकदम आए 8 बजे और आके बोले भाइयों और बहनों नोट हो गए बंद। अच्छा, वो नोटबंदी की चोट अभी तक बहुत लोगों को है। मैं हैरान हो गया था, रवीश कुमार जो बहुत बड़े चेहरे हैं, मैं जर्नलिस्ट बोलते हुए संकोच करता हूं बट जो भी आप उनको कह सकते हैं, वो अभी हाल में ही, आप ये देखिए, हाल में ही, ये है 26/10/2023,
2023 तक वो नोटबंदी पे रो रहे हैं, पता नहीं क्या चोट लगी है उनको। ये वीडियो आज का है। भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली के बाहर लोग घंटों कतार में खड़े हैं, 3-3 घंटे दिल्ली के बाहर से भी लोग आए हैं 2000 का नोट बदलवाने। यहां से रोज पत्रकार गुजरते होंगे, फिर भी 2000 की नोट की लाइन मीडिया से। ये 2023 की बात कर रहे हैं। नोटबंदी कब हुई थी? कब हुई थी? 2016 में। ऐसा क्या है? अच्छा ये छोड़िए, ये भी अभी की बात है। कोलकाता के रिजर्व बैंक के बाहर का वीडियो है, एक दर्शक ने भेजा है। रिजर्व बैंक के बाहर सुबह सुबह इतने लोग क्यों हैं? लोग नारायण मूर्ति की बात मांगकर 70 घंटे काम कर रहे हैं। इनको नारायण मूर्ति से भी प्रॉब्लम है, जिनको 70 घंटे में पूरे नहीं होते, रिजर्व बैंक के बाहर लाइन में लग जाते हैं, 2000 का नोट बदलता है। ये आप देखिए, अक्टूबर नवंबर ऑलमोस्ट 5 साल पुरानी बात पे इनका अभी भी राग अलापा जा रहा है, अलापा जा रहा है, अलापा जा रहा है, इनका अभी भी चल रहा है। नारायण मूर्ति, 2 नवंबर 2023, भारत में एक काम कई घंटे लाइन में लगना भी है। 2016 की नोटबंदी आज भी जारी है। अरे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कुछ लोगों के कुछ नोट अगर बदल रहे हैं, सबको टाइम मिला था। वैसे बता दूं लंदन में क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम में, हमारे देश में तो हर बात का शोर मच जाता है, यूनाइटेड किंगडम में सारे उन्होंने 50 पाउंड के 20 पाउंड के नोट चेंज कर दिए। बोला कि पुराने नोट है, काउंटरफीटिंग होती है, करेंसी की प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला हम चेंज कर रहे हैं नोट। और फ्रैंकली यूनाइटेड किंगडम के नोट तो बिकॉज बहुत सारे यूरोप के लोग ट्रैवल करते हैं, तो वो यूरोपियन देश के लोग के पास करेंसी होती है, जबकि यूरोप से यूनाइटेड किंगडम बाहर हो गया, पहले तो यूरो था, अब वहां पे इतने लोग हैं रोज सुबह अप डाउन कर लेते हैं लंदन से, कोई है पेरिस से करता है, कोई इटली से करता है, कोई स्पेन से करता है, तो यूरोप में पाउंड तो बहुत फैले हुए हैं। पाउंड ग्लोबल करेंसी नहीं है डॉलर की तरह, पर यूरोप भर में फैला हुआ है, क्योंकि वहां के लिए तो एक शहर से दूसरे शहर जाना इतने छोटे डिस्टेंस है, जैसे आप दिल्ली से अगर बैंगलोर जाएं तो उतना ही टाइम लगेगा आपको जितना आपको यूरोप के बहुत हिस्सों से लंदन पहुंचने में हो। तो बहुतों के पास पाउंड थे, पूरे भारत की करेंसी का तो ऐसा इशू नहीं है, पूरे नोट चेंज हो गए। आप गूगल करेंगे आपको हार्डली इस पे कोई आर्टिकल मिलेगा जो क्रिटिसाइज करता होगा, और सारी करेंसी चेंज हो गई। इंडिया में तो अभी तक वो चल रहा है, तो कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया क्या वो हो रहा है। अब ये बात 21 को ही, और मैं अपनी कुछ आपको राय दे रहा हूं, प्रेस ब्रीफिंग हुई तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि 10-15 को जो ब्रीफिंग पे इतना शोर मचा, क्या हुआ उसके अंदर और क्या अब चुनाव से पहले कुछ और हो सकता है, दोनों संभावनाओं पे आता हूं। उस ब्रीफिंग में बताया गया कि शुगर केन का प्राइस 340 रुपया पर क्विंटल कर दिया है, तो शुगर केन का प्राइस बढ़ा दिया है फार्मर के लिए। फ्लड मैनेजमेंट स्कीम जो सेंटर की है उसको थोड़ा ठीक किया, दुरुस्त किया गया है, उसके लिए 4,100 करोड़ सैंक्शन किया गया है। वुमन सेफ्टी, थर्ड डिसीजन, वुमन सेफ्टी को लेके 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 2.0 नया वर्जन उसका लॉन्च कर दिया गया है। डीएनए एनालिसिस सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में फोरेंसिक कैपेबिलिटीज बढ़ा दी गई है, साइबर क्राइम विमेन पे हो या बच्चों पे हो बढ़ा दिया गया, तो तीसरा फैसला। चौथा नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को लेके। पांचवा FDI स्पेस सेक्टर में लिबरलाइज कर दिया। सारे अच्छे फैसले हैं कैबिनेट को करने होते हैं, 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलॉन मस्क का मुझे वीडियो याद है जिसमें वो कहता है कि एक मिरेकल है, एक मार्वल है कि किस तरह इसरो इतने सस्ते रेट में सरकारी एजेंसी होने के बाद भी सैटेलाइट लॉन्च कर पा रही है। प्राइवेट प्राइवेट, हम हमेशा मानते हैं प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट देन प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट में पैसे ज्यादा बनते हैं, ज्यादा पैसे बचाते हैं, यहाँ पब्लिक सेंटर जिनमें कोई ऐसे इंसेंटिव्स नहीं है कि मल्टी मिलियन डॉलर सैलरी है, कि आपने कुछ कंपनी के पैसे बचा लिए तो स्टॉक्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, पर ये भारत का विवेक, भारत का टैलेंट। इसरो को एलॉन मस्क, जो खुद स्पेस टेक्नोलॉजी में मार्स तक पहुंचने में उसने पूरा ही इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज कर दी है स्पेसएक्स से, वो भी तारीफ करता है, तो स्पेस में जरूरी है। पर ये कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि 10-15 को कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग की जाए। मुझे लगता है चुनाव से पहले, ये सिर्फ मेरा गैस है इसके पीछे, जैसे मैंने बोला यूपीए के जमाने में तो जर्नलिस्ट बहुत कुछ डिसाइड करते थे, इस जमाने में तो मंत्रियों को भी नोटबंदी, मंत्रियों को भी पता नहीं होती, जर्नलिस्ट तो टॉपिक ही नहीं है, तो हम जैसे आम आदमी क्या बात करेंगे। पर जिस तरह चीजें चल रही हैं इससे लगता है कि मुझे
चुनाव से पहले दो या तीन में से एक चीज होगी। एक, जो लोग उम्मीद छोड़ चुके थे उस पर तो अमित शाह ने खुल के बोल दिया सीए एनआरसी वाली चीजों पे। दूसरी दो तीन चीजें बची हैं। एक, क्या 500 का नोट बैन हो सकता है? अब आप प्रधानमंत्री को समझें तो उनका शुरू से जब वो एक डिसीजन लेते हैं बहुत सोच के लेते हैं, उसके ऊपर वो इंप्लीमेंट करते रहते हैं, पर फ्लेक्सिबल है क्योंकि डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप तो है नहीं और ये डेमोक्रेसी अच्छी है। कोई डिसीजन लेते हैं वो रेजिस्टेंस उस पर आती है तो रुक जाते हैं, फिर कुछ नया ट्राई करते हैं पर दिशा उनकी क्लियर होती है। जैसे जब 1500 का नोट बैन हुआ तो जरूरत पड़ी कि एकदम करेंसी गायब होगी, उस समय सरप्राइज रखना था और नोटबंदी एक बहुत बड़ा हिट स्टेप नहीं भी हो। 2000 के नोट लाए, एक ज्यादा बड़ा नोट लेके आए, फिर 2000 के नोट फेज आउट करे गए, जो 2011 में भी, सॉरी 2023 में भी रवीश कुमार रो रहे हैं। तो 2000 के नोट भी फेज आउट हो गए, अब आप भूल गए और किसी को दिक्कत नहीं हुई, 2000 के नोट खत्म हो गए। अब 500 का हाईएस्ट नोट है, जबकि उस समय कितनी एक लॉबी ने अटैक किया था कि अरे नोटबंदी कह रहे हो 1000 का खत्म करके 2000 का ला रहे, फेज आउट हो गया है 2000 नहीं है ना, और आपके दिमाग में भी नहीं चलता होगा कि 2000 का नोट नहीं है, आपकी लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होके हंसे थे पार्लियामेंट में, कह रहे कैसे यूज होगा, एक सड़क पे जो वेंडर है किराने की दुकान है वो कैसे यूज करेगी है? अब दुकान दुकान पे 10-10 रुपए की पेमेंट हो रही है, गूगल पे से, रुपए से, बहुत सारे साधन है, मैं किसी एक को प्रमोट नहीं कर रहा, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है 10-10 रुपए की हो रही है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर जो पिछली सरकार के थे इम्पॉसिबल मानते थे। तो क्या ये लेट नाइट मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया कि कोई ड्रामेटिक फैसला नहीं लेना, पर क्या कोई और मीटिंग ऐसी हो सकती है कैबिनेट की जहां पे फैसला ले लिया जाए कि 500 का नोट भी रद्द किया जाता है और हाईएस्ट नोट 200 का होगा? संभावना सीक्रेसी वाली बात है, पर बार बार ये सुनने में आता है दिशा के वाइज कि ये हो सकता है। क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगा जैसे बहुत लोग कर रहे हैं चुनाव से पहले? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर पीओके होता है तो फिर चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है और उसके अंदर चुनाव करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता। वैसे अपॉर्चुनिटी तो बहुत है पीओके पे, क्योंकि इमरान खान जेल में है जो चुनाव जीते, आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट है, वहां के आला अफसर कह रहे हैं कि रिजाइन करते हुए कि किस तरह उन्होंने हारे हुए कैंडिडेट्स को जिताया गया है। तो पाकिस्तान में तो पूरा ही रहता फैला हुआ है, जब किसी देश में रहता फैला हो वो बेस्ट टाइम होता है उस देश के ऊपर एक्शन लेने का। तो क्या पीओके पे हो सकता है? क्या कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ सकता है? पर ये अब मेरा मानना है कि चुनाव से पहले कोई एक बड़ी चीज, आप भी लिख सकते हैं आपके अनुसार क्या एक बड़ी चीज प्रधानमंत्री करेंगे चुनाव में जाने से पहले, ताकि जनता से उस बड़ी चीज पे जिसके लिए बहुत रेजिस्टेंस भी हो सकती है जनता की मोहर लग जाए कि हाँ ये बड़ी चीज हम चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो पायलट उत्तराखंड में शुरू हो रहा है, वो एक पायलट प्रोजेक्ट है, शायद और बढ़ेगा और प्रदेशों में आएगा अगर वहां पे जो कमियां आएंगी, वो जो नए तीन कानून आ रहे हैं कहा जा रहा है वो सिर्फ दिल्ली में और गुजरात में या दो या तीन स्टेट्स में लागू किए जाएंगे, ताकि वो भी एक कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सॉर्ट आउट हो जाएं। ये अच्छी बात है कि आप ग्रेजुअली बड़ी चेंज कर रहे हैं, पर ग्रेजुअली दो चार जगहों पे एक्सपेरिमेंट करके कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। गलतियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, गलतियां इज अ रॉन्ग वर्ड, प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ नया इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। सो देखते हैं क्या चुनाव से पहले जो 10 और 15 मार्च के बीच में कहा जा रहा है डिक्लेयर होगा, ऐसा कोई बड़ा स्टेप लिया जा सकता है? संभावना बहुत ज्यादा है, एग्जैक्ट स्टेप क्या होगा पता नहीं, पर ये जब मिडनाइट लेट नाइट ब्रीफिंग हुई उसके बाद लोगों का दिमाग दोबारा चलना शुरू हो गया। क्या सडनली 21 फरवरी को तो ऐसा डिसीजन कोई नहीं आया, बड़ी नॉर्मल सी कैबिनेट की ब्रीफिंग थी, पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप? बहुत दिन बचे हैं, अभी 20 दिन बचे हैं चुनाव डिक्लेयर होने में। 20 दिन में क्या एक घंटा लगता है? क्योंकि तैयारी तो महीनों से और सालों से बहुत सारे विषयों पे गवर्नमेंट ने की होगी, तो क्या उनमें से एक विषय को अनाउंस कर देंगे, लागू कर देंगे, वो अगले 20 दिन बताएंगे। भारत माता की जय।